हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू द आपके स्टडी क्लासेस चैनल। जैसे कि हम प्रश्न क्रमांक एक से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक सारे सॉल्यूशंस का उत्तर देख चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक पूरा सॉल्यूशन देखने वाले। तो यहाँ पर हमारा हिंदी का 9th कक्षा 9वीं का रिविजन टेस्ट पेपर सॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 हमें दिया गया है, किसी काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो काव्यांश हमें दो दिए गए हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया और एक दिया थल थल में बसता है शिव। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 18 का पहला किया, आप चाहे तो इसका अथवा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की है। तो संदर्भ मैंने किस प्रकार लिखा है, मैंने पाठ का नाम लिखा है और कवि का नाम। तो अब पद्यांश है तो यहाँ पे कवि का नाम आएगा, और जब भी हमें कोई गद्यांश दिया जाएगा तो वहां पर क्या आएगा, लेखक का नाम आएगा। तो ये पाठ कहाँ से लिया गया, आप इसको और इस प्रकार लिख सकते हैं, यह पाठ हमारी कक्षा 9वीं की साखियम शब्द से लिया गया है, जिसके कवि है कबीरदास जी। तो आप मैंने यहाँ पे पाठ का नाम यदि आप इस प्रकार लिखते हैं ये तो और भी बढ़िया लगेगा, ताकि आपके नंबर डायरेक्टली प्लस पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि टीचर जो है आपके कॉपी चेक करेंगे तो डायरेक्ट पाठ का नाम और कवि का नाम देकर ही आप इस पर राइट लगा देंगे और डायरेक्टली आपको नंबर दे देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग किस प्रकार लिखा गया, प्रस्तुत पद्य कविता में, प्रस्तुत पद्य काव्यांश में कबीरदास जी ने किस गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को बताया, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को बताया। अब इसका भावार्थ हम पता करते हैं क्या दिया गया हमें, तो हमें जो दिया गया उस प्रकार इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो और इसकी चारों ओर निंदा ही होती हो। यदि गुण है तो भले ही वह किसी भी जाति किसी भी कुल का क्यों ना हो, वह हमेशा श्रेष्ठ ही रहेगा। यानी कि इसमें हमें कबीरदास जी ने इस पंक्तियों में इतना ही बताया है कि क्या, यदि आप में गुण है तो आपके लिए कुल और जाति आपके लिए महत्व नहीं रखता है, आपके लिए हमेशा गुणों को अच्छे रखना चाहिए। इसलिए हमें गुण को हमारे सर्वोपरि होना चाहिए, गुण से ही व्यक्ति की पहचान होती है, हमें एक लाइन में दिया गया है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा सोल्यूशन खत्म होता है प्रश्न क्रमांक 80 का। अब मैं प्रश्न क्रमांक 19 का सोल्यूशन आपको बताती हूँ। तो अब हमें प्रश्न क्रमांक 19 क्या दिया गया है, हमें कोई गद्यांश दिया है उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। यहाँ पे हमें दो गद्यांश दिए हैं, एक हमें दिया है जुराव काछी के दोनों बैलों के नाम और दूसरा दिया है परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे। तो इस प्रकार हमें दोनों गद्यांश दिए, हमें इसका बताना है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रेमचंद जी की जो हमारे लिए कहानी थी जुराव कछु दो बैलों वाली हीरो और मोती वाली, तो मैंने यहाँ पर उसका प्रसंग लिया है, तो मैं उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने वाली हूँ। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, हम यहाँ पे पाठ का नाम लिखेंगे, दो बैलों की कथा और किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक का नाम लिखेंगे, तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पे हम प्रसंग लिखेंगे। आप चाहे तो इसको और एक अथवा प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यह काम प्रस्तुत कहानी हमारी दो बैलों की कथा कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी से ली गई है, इसके लेखक तथा इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। अब चलते हैं इसके प्रसंग की ओर। तो इसका प्रसंग में हमें वही बताना पड़ता है जो इस कहानी में हमें इंडिकेट करता है। तो क्या बता रहा है हमें यहाँ से, इस जो हमें दिया गया है सारांश ये है, इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने पछाई जाति के दो बैलों की अद्भुत विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पर दो बैलों हीरे और मोती के बारे में कहानी बताई गई है कि और उनकी विशेषता बताई गई किस प्रकार कितने सुंदर थे। अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो व्याख्या किस प्रकार होंगी, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, तो हमारी व्याख्या इस प्रकार होंगी, कहानीकार का यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है कि झूरी नामक किसी आदमी के पास पछाई जाति के दो विशेष बैल थे, एक का नाम हीरा तो दूसरे का नाम क्या था, मोती। दोनों की सुंदरता बहुत अधिक थी, उनका शारीरिक गठन और मन को उनका रूप बार बार मन को छू लेने वाला था, यानी कि जो भी उनको एक बार देखेगा वो क्या हो जाएगा, मनमोहक, और वो उन बैलों को बहुत ही पसंद करने लगेगा। तो वो देखने में कितने थे, दोनों सुंदर थे ही, अपने काम को पूरा करने में भी तत्पर रहते और अपने काम को हमेशा करने के लिए सर्वोपरि रहते, और वे एक साथ कई सालों से रह रहे थे, इससे दोनों में क्या हो गया था, बहुत गहरा लगाव हो गया था, बहुत गहरा प्रेम हो गया था, अर्थात वे दोनों एक दूसरे की भाषाओं को समझने लगे थे तथा वे अपनी मौन भाषा में परस्पर अपना विचार व्यक्त करते रहते थे, अर्थात वो अपनी आंखों में उनको मौन भाषा में विचार प्रकट करते थे दोनों हीरो और मोती बैल। यह अनुमान ही लगाया जा सकता है कि मनुष्य दुर्लभ, उनमें कोई अवश्य ही गुप्त शक्ति थी, अर्थात वो दोनों मन ही मन अपनी बातों को समझ जाया करते थे एक दूसरे की। तो उन्होंने क्या करा, बहुत उनका परस्पर व्यवहार बहुत ही लगाव था। अब हीरा और मोती का आगे कहानीकार और कहते हैं कि हीरा और मोती का परस्पर प्रेम व्यवहार खुला हुआ था, वे एक दूसरे के पास बैठते रहते थे, एक दूसरे को चाटते सूंघते थे, सिंह हिलाते थे, साथ में सिंह मिलाते थे। यह तो उनके परस्पर लगाव को मनोरंजन के रूप में बढ़ाने के लिए ही होता था, मतलब वो परस्पर अपने मनोरंजन को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहानुभूति व्यक्त करते थे। अब इसके आगे क्या होगा, इसी प्रकार उनकी दोस्ती बहुत घनी हो गई थी, सचमुच में इसके बिना दोस्ती ऐसी हल्की हल्की सी बनी रहती थी जिसके समाप्त होने की शंका बनी रहती थी। अब इस प्रकार उन्होंने क्या करा, बहुत अब उन्होंने दोनों बैलों के हीरो और मोती बैलों के बारे में हमें बताया है किस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में। तो अब यहाँ पे हमने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर दी, यदि आप विशेष नहीं भी लिखना चाहते तो इसमें नहीं लिखेंगे, पर यदि आपको प्लस पॉइंट चाहिए तो आप इसमें विशेष भी इंक्लूड करें ताकि इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल सके। तो यहाँ पे हमें विशेष हमने क्या, हमें इस कहानी से क्या प्रस्तुत हो रहा है कि यहाँ पे हमने, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे बैलों की विशेषता बताई गई है उनके अद्भुत। अब यहाँ पे मैंने कुछ हल्की सी में कौन सा अलंकार बताया, उपमा अलंकार और सामाजिक शब्दावली, मतलब हम जिस प्रकार हमारे समाज भाषा यूज की जाती है शब्दावली, वो यहाँ पर भाषा यूज की गई है। और दूसरा क्या है, हमें जो ऑप्शन दिया गया वो है विशेष में वर्णात्मक शैली उसकी गई है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 19 पूरा खत्म होता है, बढ़ते प्रश्न क्रमांक 20 की ओर।
अब हमें प्रश्न क्रमांक 20 क्या दिया गया है, हमें प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, आपका नाम रमेश है और हमें एक पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए, और दूसरा दिया है एक प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्थायी पत्र बधाई पत्र लिखना है। ये हमें 5 अंक का दिया गया तो हमें इसे करना अनिवार्य है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने रमेश है वो केंद्रीय विद्यालय का छात्र है, उसकी शुल्क मुक्ति है तो फीस आवेदन लिखा है। यदि आपको प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान करने पर बधाई पत्र लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, इससे आपको और एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं, जो आपको अच्छा आता है आप वो कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार होगा इसका। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा है, तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, केंद्रीय विद्यालय भोपाल हमें दिया गया तो मैंने केंद्रीय विद्यालय भोपाल लिखा है। यहाँ पर विषय मैंने क्या बताया है कि शुल्क मुक्ति या फीस माफी के लिए मैंने आवेदन पत्र लिखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, महोदय जी सनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, तब हमें छात्र दिया गया रमेश, इसलिए मैंने यहाँ पे छात्र यूज किया, तथा आपके विद्यालय केंद्रीय विद्यालय आप यहाँ पे यू भी यूज कर सकते हैं, तथा मैं आपके केंद्रीय विद्यालय भोपाल का छात्र हूँ या केंद्रीय विद्यालय भोपाल में अध्ययनरत हूँ। मेरे पिताजी एक सामान्य कृषक है और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे तथा मुझे पढ़ाने में मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही है। आप यहाँ पे और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं यदि आपको और अच्छे से आता है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अथवा मैं इतने परिवार का अपने खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ या फीस नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे पढ़ाने में मेरे पिताजी कठिनाई हो रही है, यहाँ से हमने इंक्लूड कर दिया। अथवा आपसे निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने एप्लीकेशन को इस प्रकार लिखा। अब हमें क्या दिया गया है, हमें शिष्य का नाम रमेश दिया गया, तो यहाँ पे आप दिनांक ऐड कर सकते हैं जो आप जिस दिन आप पेपर की कॉपी जमा करेंगे उस दिन, और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश कक्षा 9वीं। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन खत्म होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें प्रश्न क्रमांक किस किस प्रकार दिए गए, हमें दिया गया एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है, और तो हमें किस प्रकार दिए, एक गद्यांश दिया है मनुष्य जीवन के ऊपर, और उसमें दिए हमें 3-5 क्वेश्चन दिए, हमें इसके आंसर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, जैसा कि मनुष्य जीवन के बारे में दिया गया संघर्ष किस प्रकार आता है, तो मैंने यहाँ पे इसको शीर्षक क्या दिया है, मनुष्य जीवन दिया। तो आप यहाँ पे इसको केवल मनुष्य भी दे सकते हैं, आपको जिस प्रकार का देना है आप उस प्रकार दे सकते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर आपके दिमाग में जो टाइटल आए उसको दे सकते हैं, मुझे मनुष्य जीवन आया तो मैंने यहाँ पे मनुष्य जीवन टाइटल दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया, तो गद्यांश में हमें दिख रहा है कि मनुष्य कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया। आप इसको इस प्रकार और लिख सकते हैं, मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया। अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो तीसरा क्या है, यह संसार किस आधार पर टिका है, तो यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका हुआ, ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथा, देवता किससे ईर्ष्या करते हैं, तो हमें क्या दिया गया है, हमें गद्यांश में स्पष्ट नजर आ रहा है कि देवता भी मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं। तो अब हमारे यहाँ से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं पांचवे क्वेश्चन की ओर, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है, तो इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य जीवन है या मनुष्य है, तो यह हमारा आंसर हो गया, इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य है। अब हमारे यहाँ से प्रश्न क्रमांक 21 कंप्लीट होता है, हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 22 हमें क्या दिया गया, हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है, मतलब हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। ऑप्शन से हमारे बाल श्रम के कारण, COVID-19 समस्या समाधान, विज्ञान के चमत्कार और जल संरक्षण। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने विज्ञान के चमत्कार बताया है, हम इसको और एक प्रकार से बता सकते हैं, विज्ञान विनाश या भारत में विज्ञान के बढ़ते चरण या वरदान अभिशाप। तो इस प्रकार हमें यहाँ सेंटेंस दिया गया, तो हम इस प्रकार लिख देंगे, प्रस्तावना विज्ञान की देन। अब हमें क्या लिखना है, विज्ञान के चमत्कार, तो आप यहाँ से विज्ञान की देन, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, कृषि क्षेत्र में मनोरंजन के साधन में। अब इसका अभिशाप हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें विज्ञान के चमत्कार बताना है, तो हम यहाँ पे सीधे उपसंहार पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे और पॉइंट ऑफ इंक्लूड कर सकते हैं, विज्ञान से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई, हम किस प्रकार नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, हमारा विज्ञान का हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करें, हम इसका ऐसे बताएंगे, इस प्रकार डिफाइन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 का, तो हमने विज्ञान के चमत्कार सॉल्व कर लिया। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 22 के ब पे, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना है। तो हमारे लिए क्या दिया है, एक मेरा प्रिय मित्र दिया और दूसरा वृक्ष हमारे मित्र। तो यहाँ पर मैंने वृक्ष हमारे मित्र के लिए कुछ कोटेशन बनाए, तो यहाँ पर होगा, वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। तो यहाँ पे मैंने कोटेशन दिया, तो यहाँ से हमारा कोटेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा, ताकि हमें प्लस पॉइंट मिले इस प्रकार के 22 नंबर पे। तो हमने यहाँ पे प्रस्तावना, वृक्षों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ, आप चाहे तो इसी के 2 पॉइंट बना सकते हैं, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा बना सकते हैं वृक्षों से अप्रत्यक्ष लाभ। मैंने इसी एक 1 पॉइंट में इसको इंक्लूड कर दिया है, और तीसरा पॉइंट मैंने डिफरेंट बनाया है कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और चौथा मैंने बनाया है वृक्षों का संरक्षण, या वृक्षों का संरक्षण हमें किस प्रकार करना चाहिए, इसको आप और पॉइंट डिक्लेरेशन कर सकते हैं, और पांचवा मैंने बनाया उपसंहार। तो ये हमारे कितने 5 पॉइंट हो गए, तो ये अंग हमारे कितने अंक का हो गया, 3 अंक का। यहाँ से हमारा कक्षा 9वीं का पूरा प्रश्न सॉल्यूशन होता है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक हमने पूरा सॉल्यूशन दे दिया। अब आप इसको फटाफट अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के सॉल्यूशन, रिवीजन टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए रिवीजन टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।